रोटरी क्लब जयपुर सवाई को नया अध्यक्ष के रूप में रामेश्वर लाल कुमावत मिल गए। इससे पहले ये कमान वंदना प्रकाश के पास थी। नया अध्यक्ष कुमावत ने कहा कि उत्साह और जोश के साथ गठित नई कार्यकारिणी काम करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले हमने बाल संबल, विद्या आश्रम, महात्मा गांधी स्कूल में काम किया। अनाथ बच्चे और पर्यावरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिसे और ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। जो आज आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा है रोटरी क्लब के बारे में, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे, क्या कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम करेंगे आप लोग, क्या क्या कार्यक्रम में करते हैं आप लोग इसमें? मैं रोटरी क्लब जयपुर सवाई की प्रेसिडेंट हूँ और हमारा क्लब रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। 120 साल पुरानी संस्था है। हम लोग इसके अंदर समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेते हैं और साथ में अपने सदस्यों का मनोरंजन भी करते हैं। हर प्रेसिडेंट एक साल के लिए बनता है, अपने विजन के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ वो इस समाज सुधार के लिए और अपने व्यवसाय में फ़ायदे के लिए भी जुड़ता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी टीम, नई टीम आ रही है और पुरानी टीम विदा ले रही है। हर टेन्योर जैसे मैंने बताया एक साल का होता है, तो आने वाली टीम के प्रेसिडेंट आप हैं रोटेरियन रामेश्वर कुमावत और मैं, मेरा एक साल पूर्ण हो चुका है। जो आपका ने एक साल में क्या क्या कार्य किए, जो आपका कार्यकाल था उस कार्यकाल में आपने? हमने अपने कार्यकाल के अंदर महात्मा गांधी स्कूल्स के 10 स्कूलों में ई लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। हमने वाटर कनेक्शन भी दिया है एक स्कूल के अंदर। हमने बाल संबल करके एक बहुत प्यारी संस्था है, काफ़ी पुरानी, जहाँ पर आश्रित ट्राइबल बच्चों को प्रॉपर रेजिडेंशियल स्कूल है और बहुत अच्छी विद्या दी जाती है और वो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, हमने वहाँ जाके उनको भी आर्थिक सहायता दी है। और आर्थिक सहायता हमने वृद्धाश्रम के अंदर भी दे करके वहाँ पे भी 1050 लोगों को खाने की व्यवस्था करी है। इसके अलावा हमारी आर्थिक सहायता विभिन्न संस्थानों को जारी रहती है पूरे साल। आपका क्या विज़न है कि जो एक साल रहेगा उस एक साल में आप क्या क्या कराना चाहेंगे? थैंक यू वंदना जी। वंदना मैडम ने पिछले साल बहुत अच्छे अपने कार्यकाल में काम किए और उनको ही हम आगे जारी रखेंगे। चूँकि हमारा क्लब दो स्तर पर काम करता है, एक तो हमारे मेंबर्स के विदिन जो फेलोशिप है उनके बीच सामंजस्य और उनके बीच जो है आपसी तालमेल और मित्रता बढ़ाने के रूप में काम करता है, उसके साथ साथ ही हमारा जो क्लब एक समाज सेवा का काम भी करता है। तो मैडम ने जैसे बताया कि हमने बाल संबल में काम किया, विद्याश्रम में काम किया, महात्मा गांधी स्कूल में काम किया, तो वो इसी चीज़ें ये सब चीज़ें जारी रहेगी। साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले वीक में हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी किया था और राजस्थान हॉस्पिटल में वो कैंप हुआ और उसमें हमने जो है अच्छा पार्टिसिपेट करके और ब्लड जो है जैसे कि आपको पता ही है रक्तदान महादान और उसके रूप में भी हमने काम किया। साथ साथ एक नई कार्यकारिणी गठित हुई है। हमारा जो क्लब है वो एक बहुत ही सामाजिक समरसता का क्लब है और उसमें जो विदिन मेंबर्स होते हैं वही एक एक साल के लिए प्रेसिडेंट भी बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। इससे मेंबर्स में जो है लीडरशिप क्वालिटी इमर्ज होती है और वो किसी संस्था को आगे चलाने के लिए काम में के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। चूँकि ये संस्था इंटरनेशनल संस्था है और इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्तर भी हैं, तो क्लब लेवल पे हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ये काम करते हैं। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट जो है लेवल है हमारा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक रोटरी का डिस्ट्रिक्ट, उसमें कई जो हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं कई आते हैं, जैसे हमारे इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं रेवेन्यू, और उन सबको मिला के हमारा एक RI जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो 3056 है। तो उनकी जो है DG है वो राखी गुप्ता जी हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं। और इसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करते हैं तो आगे से असाइन होके आता है या आप लोग खुद यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कुछ चीज़ें? तो क्या नहीं करना, कुछ चीज़ें तो गाइडलाइंस आती है और कुछ चीज़ें हम अपने स्तर पे भी काम कर सकते हैं। चूँकि हमारा समाज सेवा काम होता है तो समाज सेवा तो विभिन्न स्तरों पे विभिन्न जगहों पे हो सकती है। फंडिंग का होता है कि आगे से फंडिंग आती है आप लोग खुद ही मैनेज करते हैं? कुछ चीज़ों में हम क्लब लेवल पे मैनेज करते हैं और आगे से जो फंडिंग है वो हम देते हैं, हम देते हैं। और बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो करोड़ों रुपए का, तो उसके लिए आगे से फंडिंग हम वापस भी ले सकते हैं। बाकी एक इसका सिस्टम है कि कुछ फीस रोटरी इंटरनेशनल के लिए जाती है। और आपको पता हो कि पल्स पोलियो अभियान जो पूरी दुनिया में पल्स पोलियो का जो निराकरण और निवारण किया है, तो उसकी सारी मेडिसिन हमारा रोटरी क्लब ही देता है। और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भी चलते हैं, तो उनके लिए भी फंडिंग आती भी है और हम अपने लेवल पर भी हम यह काम करते हैं। धन्यवाद। Thank you.